गुड मॉर्निंग किड्स, आज हम लोग EVS के क्लास में सीखेंगे गुड मैनर्स के बारे में। क्या सीखेंगे हम लोग? गुड मैनर्स के बारे में। मुझे पता है आप सभी बच्चे अच्छे मैनर्स वाले हैं, लेकिन हमें फिर भी कुछ बातों का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, राइट? तो आज मैम आपको बताएंगी कि कौन कौन से गुड मैनर्स हैं जिन्हें हमें डेली याद रखना चाहिए, है ना? समझ में आई आपको मैम की बात? गुड मैनर्स का मतलब होता है कि हमें कौन कौन सी अच्छी आदतों का यूज़ करना चाहिए, है ना? आप लोगों ने कीप क्लीन के बारे में पढ़ा था कि हमें अपने आप को साफ़ कैसे रखना चाहिए, और सभी बच्चों ने उसको फॉलो भी करना शुरू किया होगा। वेरी गुड। तो आज हम लोग कुछ गुड मैनर्स के बारे में सीखेंगे जिन्हें भी हमें डेली फॉलो करना चाहिए। तो जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। मैम आपको डेली करती हैं ना गुड मॉर्निंग विश, तो हमें सभी को घर में क्या कहना चाहिए? गुड मॉर्निंग कहना है। कहेंगे ना आप लोग ऐसे मम्मी को, पापा को, दीदी, भैया, दादी, बाबा, जब हम सुबह उठेंगे। और हमें सुबह टाइम से उठना चाहिए, है ना? टाइम से उठ के हमें सुबह सबसे पहले गॉड को थैंक यू कहना चाहिए, और उसके बाद सभी को घर में गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। मैम भी डेली आपको गुड मॉर्निंग कहती है ना, जैसे ही आपसे मिलती हैं। तो आप सभी लोग भी आज से क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग विश करेंगे, राइट? करेंगे ना? तो हम आज से सुबह उठने के बाद सबको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो आज का हमने एक मैनर ये सीखा। सेकंड, सभी को थैंक यू बोलना है। कैसे थैंक यू बोलना है? कोई भी हमारी हेल्प करता है तो हमें उसे क्या कहना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। कोई हमें गिफ्ट देता है तो हमें क्या करना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए। मैम की क्लास ओवर होने के बाद आप मैम को कहते हो ना, थैंक यू मैम कहते हो ना? तो उसी तरीके से हमें सभी को थैंक यू कहना चाहिए। जब कोई हमारी हेल्प करता है, कोई हमारे साथ अच्छा करता है, हमें कोई अच्छा सा प्रेजेंट देता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? थैंक यू बोलेंगे, है ना? कहेंगे ना? और कोई हमसे पूछता है कि आप कैसे हो, तब भी हमें क्या कहना चाहिए? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। हमने थैंक यू क्यों बोला है यहाँ पर? क्योंकि किसी ने हमसे हमारी हेल्थ के बारे में पूछा है, है ना? तो हमें उसे थैंक यू कहना चाहिए। ये देखिए, ये बच्चों को क्या मिल रहा है? प्रेजेंट, बर्थडे पर गिफ्ट मिलता है आपको, तो आप लोग कहते हैं ना थैंक यू। तो अब से जो बच्चे नहीं बोलते हैं उन्हें भी थैंक यू बोलना सीखना है। मैम आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगी, तो आप लोग सीखेंगे ना, तभी तो आप अच्छे बच्चे बनेंगे, तभी तो आप मैम के अच्छे बच्चे कहलाएंगे। तो अब से सभी बच्चे इन मैनर्स का, इन आदतों का ध्यान रखेंगे, है ना? कि हमें हमेशा अच्छी आदतों का यूज़ करना है। उससे पता चलेगा कि हम अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमें हमारी टीचर अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। अब से हमें एक गुड मॉर्निंग ज़रूर बोलना है सभी को, और सभी को थैंक यू ज़रूर बोलना है। हमें कभी भी कोई भी प्रेजेंट देता है तो हमें थैंक यू बोलना है, कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें थैंक यू बोलना है, और मम्मी हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं तो हम क्या बोलेंगे उन्हें भी? थैंक यू मम्मी फॉर मेकिंग अ डिलीशियस फूड, है ना? क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक यू। और पापा हमारे लिए क्या लेके आते हैं? टॉयज लेके आते हैं, गिफ्ट्स लेके आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, फल फ्रूट्स लेके आते हैं, तो हमें हमारे पापा को भी थैंक यू बोलना चाहिए। या घर में जो भी हमारे लिए अच्छा लेके आता है हमें उसे थैंक यू बोलना चाहिए। जब आप इस तरीके से बोलना शुरू करेंगे तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी ना हर बार बोलने की। अब से हमने क्या क्या सीखा? एक, हमें सुबह गुड मॉर्निंग सभी को बोलना है, और थैंक यू सभी को बोलना है। नेक्स्ट, सॉरी। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, है ना? और वो कैसे करेंगे? जब भी हम कोई मिस्टेक करेंगे तो हमें सॉरी बोलना है, राइट? अगर हमसे कोई भी गलती होती है और हमें पता है कि हमने मिस्टेक की है, तो वी नीड टू से सॉरी, राइट? सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी दादी, सॉरी बाबा, या भैया के साथ, दीदी के साथ फाइट नहीं करनी। और अगर हम फाइट करते हैं तो हमें क्या बोलना है? सॉरी। और हम किसी का काम गलत कर देते हैं बाय मिस्टेक, हमें जानबूझ के नहीं करना है ना, बाय मिस्टेक अगर हम कोई काम गलत करते हैं तो हमें क्या बोलना है? सॉरी। तो अब से आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो फिर मैम के पास आप लोगों की कंप्लेन आएगी, है ना?
नेक्स्ट है प्लीज़। आपको कभी भी कुछ भी चाहिए होता है तो हम कैसे बोलेंगे? प्लीज़। हमें किसी को ऑर्डर नहीं देना क्योंकि हम छोटे हैं ना अभी, तो हम कैसे बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी अ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास, प्लीज़ गिव मी अ स्पून, लाइक दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा प्लीज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि हम छोटे हैं। चाहे हम छोटे हों या बड़े हों, हमें हमेशा सभी से रिस्पेक्ट के साथ में बोलना चाहिए और हमें प्लीज़ का यूज़ करना चाहिए, है ना? तो अब से हम लोग क्या करेंगे, प्लीज़ का यूज़ करेंगे। तो मैम ने क्या क्या सिखाया आपको? मैम ने बताया, एक आपको हमें सुबह गुड मॉर्निंग बोलना है और हमें थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है और प्लीज़ बोलना है। देखा ये कितने प्यार से प्लीज़ बोल रहा है। अगर कोई भी मिस्टेक करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्यार से प्लीज़ बोलेंगे। तो भी और भी बहुत सारी बातें हैं जो सीखनी है। ये क्यूट सा टेडी है ना, और ये क्यूट सा टेडी प्लीज़ बोल रहा है। अच्छा बताइए, और हम लोग क्या क्या अच्छी बातें बोल सकते हैं, और क्या क्या अच्छी बातें होती हैं? अच्छी बात होती है टाइम से सोना। जिस तरीके से सुबह टाइम से उठना अच्छी बात होती है, उसी तरीके से रात में सोना अच्छी बात होती है, लेकिन टाइम से। हमें लेट नाइट तक नहीं जागना चाहिए। और सोते समय हमें क्या कहना है? हमें कहना है गुड नाइट। जिस तरीके से हम लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे, उसी तरीके से हमें गुड नाइट भी बोलना है, है ना? तो गुड नाइट बोलना भी एक अच्छी हैबिट होती है, एक अच्छा मैनर होता है। जब आपके घर पे कोई आए और आप उसके सामने सभी को गुड नाइट और गुड मॉर्निंग विश करेंगे तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे ना, सभी कहेंगे देखो कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे मैनर्स के साथ में रहते हैं। तो आप लोगों को मैम के बताए हुए इन मैनर्स को यूज़ करना है, ठीक है? फिर मैम आपसे घर पे मम्मी या पापा से पूछेंगी कि आप लोग ऐसा करते हैं नहीं करते हैं, है ना? नेक्स्ट हमारा एक गुड मैनर है जो कि हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। हमें हमेशा अपनी हर चीज़ को अपने बड़े भाई बहन सभी के साथ में शेयर करना चाहिए, है ना? तो हमने क्या क्या सीखा? गुड मॉर्निंग, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, है ना? अब देखिए मैम भी लास्ट में आपको क्या कह रही है, थैंक यू।